नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर चैनल टेकमोन कपिल। कैसे हैं आप सभी? आज मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। मुझे बहुत सारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आ रहे थे और लिंक्डइन में कि भैया कब आप पढ़ाने वाले हैं, आपकी प्लेलिस्ट कौन सी होने वाली है पहली। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि हम एक 50 डेज ऑफ कोर जावास्क्रिप्ट करके प्लेलिस्ट प्लान कर रहे हैं दोस्तों। इसमें मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। अगर आप वेब डेवलपर हैं या मोबाइल ऐप डेवलपर भी हैं, अगर आप स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं, आप थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में हैं और आपको जानना है वेब डेवलपमेंट के बारे में और आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप सभी लोगों के लिए प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। इस प्लेलिस्ट में मैं शुरू करूंगा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, जैसे कि VS कोड कैसे सेटअप करते हैं, सिस्टम कैसे सेटअप करते हैं, गिटहब क्या होता है, Node.js क्या होता है, फिर वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, लेट वेयर कॉन्स क्या होता है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, क्या होता है मैप, रिड्यूस और फिल्टर जैसे फंक्शंस। फिर हम कुछ इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स भी बात करेंगे, कॉल बैक्स क्या होते हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं और हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर हम इसको लेके जाएंगे कुछ एडवांस टॉपिक्स पे भी, वेब APIs जैसे कि फेच हुआ, और फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, और कुछ डिबगिंग कॉन्सेप्ट्स, डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो दोस्तों ऑल इन ऑल ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा अराउंड 9 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। मैं हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यू ले चुका हूँ और हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यू दे भी चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मैं अपने वीडियोस बनाऊँ तो उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो रिगार्डिंग दैट टॉपिक है उसमें जरूर इंक्लूड करूँ। तो अगर आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ हो जाएगी। दोस्तों मैं चाहता हूँ जैसे मैं वीडियोस बनाऊँ वैसे ही कुछ डिटेल्स भी अपने मीडियम आर्टिकल्स में शेयर करता रहूँ, कुछ क्रिएटिव इन्फो कार्ड्स बनाऊँ जो मैं सारे सोशल मीडिया में शेयर करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी मटेरियल से, स्टडी मटेरियल से, मेरे वीडियोस, मेरे आर्टिकल्स, मेरे क्रिएटिव इन्फो कार्ड्स, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे दोस्तों। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे पहले वीडियो की ओर।